वीडियो में चार लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। चारों का फिजिक भी एकदम हीरोइक है और हाथ में फिल्मों की तरह पिस्तौल भी है, पर यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि यह वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, क्योंकि इस वीडियो में हाफ शर्ट पहने जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में जेलर भी कहते हैं। इनका नाम दीपक शर्मा है। आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, आखिर जेलर साहब ऐसे पिस्तौल लहराते हुए क्यों नाच रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 8 अगस्त की रात दीपक शर्मा एक बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे हुए। इस पार्टी में उनके कुछ दोस्त भी मौजूद। पार्टी का आयोजन दिल्ली के शहादरा जिले के दिलशाद गार्डन में किया गया था। दीपक शर्मा देर रात हो रही इस पार्टी का हिस्सा थे। जैसे जैसे रात गहरी हुई माहौल भी गर्म होता चला गया, वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जेलर साहब होश में थे या मदहोश, तो इसकी कुछ जानकारी सामने नहीं आई। पर जिस तरह वो पार्टी में झूमते नजर आ रहे हैं और हाथों में पिस्तौल लहराते हुए नजर आ रहे हैं, इससे लगता तो है कि वो पार्टी के महफिल में मदहोश हो चुके थे। इसी मदहोशी के माहौल में किसी ने वीडियो भी बना लिया और जाहिर है कि वीडियो पार्टी में ही किसी बैठे हुए व्यक्ति ने बनाया था। और हुआ ये कि रात में बनाए वीडियो सुबह सुबह बाहर आ गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बाहर आते ही वीडियो ऐसे वायरल हुई कि जेलर साहब की रात की पार्टी सुबह चर्चा का विषय बन गई। मतलब आखिरकार जेलर साहब है तो इंसान ही ना, पार्टी कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। ज्यादा बड़ी बात थी पार्टी में पिस्तौल का लहराना। इस दुरुपयोग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सवाल खड़े किए गए। और ऐसा नहीं है कि ये जेलर साहब कोई आम व्यक्ति हैं, बल्कि इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और सोचिए कि अब इनको इनकी पोस्ट से जो है हटा भी दिया गया है और ये कार्रवाई जल्द से जल्द ले ली गई है। और अभी तो और भी जानकारी बाकी आना सामने है, क्योंकि जो तिहाड़ जेल के मेन सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने इस मामले के को लेकर के अलग से पूरी कार्रवाई शुरू कर दी और जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी आपका क्या कहना है दीपक शर्मा की इस करतूत को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।